हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पुलिस और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम की एक सीरीज शुरू किए हैं, उसी में से हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस शून्यों की संख्या वाला टॉपिक समाप्त किया गया है और यूनिट जी इकाई अंक का हम लोगों ने कल बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है। आज उसी से संबंधित हम लोग सवाल लेंगे, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 783 गुणे 163 189 78 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा? देखिए जरा, अच्छा छोटे तो नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक अच्छा आ रहे हैं, दिख रहे हैं जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तीन का मल्टीपल तीन, जब इकाई अंक की बात करें तो केवल और केवल इकाई अंक ही लेते हैं। तीन त्रिका नौ, नौ ने यह 81, तो पहले आप इकाई अंक ले लीजिए, आपको इकाई से ही मतलब है बच्चों, बाकी भी जिससे कोई मतलब नहीं होता है। तो तीन ले लिया, फिर तीन ले लिया, फिर नौ ले लिया और फिर बच्चों आठ ले लेंगे, ठीक है। तीन त्रिका नौ, नौ थी 72 का दो, नौ दूनी 18, तो इसका इकाई अंक बच्चों क्या होगा इस पूरे सवाल का, आठ हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा बच्चों, आठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम टू सेम। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है 756 938 इंटू 872, ठीक है, यूनिट डिजिट पूछता है। तो बच्चों इकाई अंक ही लेना है, जब इकाई अंक ही लेना है तो आसान हो गया, 6 8 48 48 का बच्चों इकाई अंक 8 हो गया, 8 2 16 16 का इकाई अंक बच्चों क्या हो गया, 6, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, आंसर भी बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है, आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 708 इंटू 545 इंटू 608 इंटू 122 इंटू 904 मल्टीपल 218 पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बच्चों पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, 8 5 40 बच्चों जीरो मिल गया। अब जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा हो तो आंसर लास्ट में क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो इस पूरे सवाल का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, पूरे सवाल का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, देखिए अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का बना रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस बना रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 679 प्लस 723 इंटू 123 प्लस 317, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। चलिए बच्चों इकाई से मतलब है तो 9 ले लीजिए, 3 त्रिका 9 इसका हो गया, प्लस इकाई अंक बच्चों क्या हो गया, 7 हो गया, 9 9 18 18 7 25 और 25 का बच्चों इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में, तो जो जैसे चिन्ह रखे हुए हैं उनको वैसे ही रख देते हैं और फिर सवाल को हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए उससे कहा 573 रहा है, ठीक है बच्चों, माइनस 121 रहा है, माइनस 186 रहा है और कह रहा है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप पहले तीन ले लीजिए, माइनस इकाई अंक 1 ले लीजिए, माइनस का 6 ले लीजिए, 3 माइनस के कितने हो गए बच्चों, 7। इस तरह से आपको हासिल लेना पड़ेगा जब भी माइनस में हो, तो ये 13 हो जाएगा, 13 में 7 चला जाएगा तो इकाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। आप ऐसे मत करिएगा कि 7 में 3 को घटा दे और कह दे 4 हो जाएगा ना, जब ऐसी कंडीशन बने तो आपको ये क्या मिल जाएगा, हासिल मिल जाएगा, ठीक है, तो हासिल ले लेते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं ऐसे ही, देखिएगा इसको। चलिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 19 123 51 प्लस 9 माइनस 7
प्लस चार इंटू बीस, कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। बच्चों तीन का गुणा करेंगे एक में कितना हो जाएगा तीन, प्लस लगा दीजिए नौ में सात किया बच्चों दो हो जाएगा, चार का गुणा जीरो में करोगे तो लास्ट में जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका भी आंसर पांच हो जाएगा। ठीक है, 19123 इंटू इस तरह का फॉर्म दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है 2753 की पावर 167 और आपसे यूनिट पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है पहले से ही, क्या पढ़ रखा है कल आपने कुछ चीजें देखी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। सवाल में आपने देखा यदि 0, 1, 5, 6 ये आपके नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी घात कुछ भी हो ये इकाई स्वयं हो जाते हैं। ठीक, दूसरा स्टेप आपने पढ़ा कि यदि 4 की पावर सम हो जाए, क्या हो जाए 4 की पावर सम हो जाए तो इकाई 6 हो जाएगा, और 4 की पावर विषम हो जाए तो स्वयं हो जाएगा। 9 में आपने पढ़ा यदि 9 की पावर सम हो जाए तो इकाई 1 होगा, 9 की पावर विषम हो जाए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो अंक बचते हैं आपके कौन से 2, 3, 7, 8 इसमें 4 से भाग दे देते हैं, जो पावर आती है वही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, 7 में आपने पढ़ा यदि सम अंक हो और पावर 0 हो जाए तो उसका मान 6 होगा, और यदि विषम संख्या हो और इसकी पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो। तो ये चीजें हैं, अब आप समझ गए। अब 4 से जब भी भाग देते हैं तो इकाई के सिर्फ 2 अंकों में भाग देते हैं बच्चों, तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। हमें इकाई से मतलब है, इधर कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, इससे भी कोई मतलब नहीं, आपका बन गया 3 की पावर 67। 4 का भाग दे दीजिए, 4 × 4 2 हासिल हो गए, 4 × 7 = 28 ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे बच्चों 3 लिया 4 × 4 2 हासिल हुआ 27 हुआ, 4 का पारा करिए 4 × 6 = 24 3 हासिल बच गया, तो क्या बच गया बच्चों 3 की पावर 3 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 3 × 3 = 9 × 27 27 का बच्चों इकाई क्या होगा 7 होगा, तो इस पूरे सवाल का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कल बता दिया गया था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्वयं इकाई अंक होते हैं, घात से कोई मतलब नहीं होता, स्वयं इकाई अंक होंगे, घात का कोई इसमें रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, अभी आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 1590 की पावर 2, 1691 की पावर 2, अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 1792 की पावर 2 प्लस 1893 की पावर 2 का इकाई अंक पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, का इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक बच्चों, तो करना क्या है आपको मालूम है कि यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, घात का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 0 है तो इसकी घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका इकाई बच्चों क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये जोसेफ फैमिली का मेंबर है। इसी तरीके से 1 है, इसकी घात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक स्वयं होते तो 1 होगा। 2 की पावर 2 का मतलब बच्चों क्या हो गया 4 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब बच्चों क्या हो गया 9 हो गया। 9, 4, 13, 1, 14 इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, देखने में थोड़ा सा सवाल बड़ा था पर आपने देखा कि इसका आंसर भी बड़ा छोटा सा था। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को खूब शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो बच्चे देखे पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सस्ता क्वेश्चन लेते हैं। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपने साइक्लिसिटी पढ़ी थी, जब 8 की 2, 3, 7, 8 की, तो 8 की पावर 1 का मतलब बच्चों क्या होगा 8, 8 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा 4, 8 × 64 3 का मतलब बच्चों क्या हो जाता है 6 हो जाता है, 8 × 32
दो हो गया आपका, ठीक है। आठ है फिर इसमें गुणा किया 864 हो गया, फिर 832 हो गया, फिर 8 × 16 इसी क्रम में चलता है। साइक्लिसिटी 4 आपने पढ़ रखा है, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। तो 4 के गैप के बाद वही वापस रिपीट हो जाता है, तो अब वापस वही रिपीट होगा, फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 6 फिर 8 फिर 4 फिर 2 फिर 6 ये कहां तक चलेगा? 100 तक। तो अगर हम बात करें तो 4 के बाद यानी 25 नंबर तक यही रिपीटेशन होगा। आप इसका योग कर लीजिए, योग है योग करिए, 6 2 8 8 4 12 12 कितना हुआ बच्चों? 20। इसी 20 को 25 बार लिखेंगे, 20 20 20 20 20, तो बच्चों लास्ट में इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। लास्ट में इकाई अंक क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा योग। तो इकाई अंक भी बच्चों क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इसलिए इस पूरे सवाल का इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आ गया हो, जिसके ना समझ में आया हो वह वापस इसको एक बार और देखेगा, पॉज करके रिटर्न करके, ठीक है। चलो बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एक बेहतर सवाल लेते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी अच्छी तैयारी हो सके। कह रहा है 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial 100 factorial यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक बच्चों क्या होगा? आपने जब हम आपको पढ़ाए थे शून्यों की संख्या, तो आपको फैक्टोरियल बताया गया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आप जान चुके हैं। चलिए इसका सॉरी इस एक फैक्टोरियल का मतलब बच्चों क्या हुआ? एक। 2 factorial का मतलब क्या हुआ? 1 × 2। 3 factorial का मतलब बच्चों क्या हुआ? 1 × 2 × 3। 4 factorial का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 × 4। फैक्टोरियल 5 की बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं 5 की, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब रुक जाइए, रुकना किस लिए है ये भी देख लीजिए। इसको हल करोगे तो एक ही आएगा, इसको 2, इसको 2 × 3 = 6, इसको 24 और इसको 20, मतलब 24 × 5 = 120। कहना क्या चाहता है? अब इसके बाद जितने भी अंक होंगे सब में 5 आएगा, आएगा ही आएगा, आपको मालूम है 5 के बाद फैक्टोरियल में, तो सबका इकाई अंक 0 ही होगा। तो 0 होगा तो जुड़ेगा कौन लास्ट में बच्चे? जुड़ेंगे ये, तो 1 2 कितने हो गए? 3 3 6 कितने हो गए? 9 9 4 13, यानी लास्ट में 3 जोड़ना ही पड़ेगा जो भी होगा 0। तो इकाई अंक बच्चों क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इकाई अंक इसका 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ना आए तो वापस इसको रिपीट करके देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। आपको मालूम है 2 3 7 8 में 4 से भाग देते हैं, तो 4 का भाग दीजिए, 4 × 8 ये गया, 4 × 12 तो 7 की पावर 3, 3 का मतलब हो गया 7 × 7 49 और 7 × 3 = 63, यानी इसका मान क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। जो माइनस है माइनस बता दीजिए, 4 × 4 एक हासिल चला गया, 4 × 16 = 2 / 4 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 9 हो गया। हमने कहा था जब भी ऐसी स्थिति बने तो उल्टा नहीं घटाते कि 9 में 3 घटा दे, एक आप कैरी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर भी 4 होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों है 124 की पावर 2 + 97 + 124 की पावर 21 = 96, ठीक। ये सवाल दिया गया है, 4 की साइक्लिसिटी आप पढ़ चुके हैं, 4 में क्या होता है? यदि विषम हो तो स्वयं अंक होता है, आप पढ़ चुके हैं 4 की पावर विषम हो तो स्वयं हो जाता है, और 4 की पावर सम हो तो 6 हो जाता है, 6 4 10 हो गए, तो इकाई अंक बच्चों क्या हो गया इसका? 0 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल लेते हैं बच्चों। कह रहा है 3 की पावर
टू एन प्लस वन हो प्लस टू की पावर टू एन प्लस वन हो तो कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों इकाई अंक क्या होगा, अच्छा सवाल है, कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। 2n प्लस वन, 2n प्लस वन लिया है तो बच्चों आप ऐसा करिए n का मान क्या ले लीजिए, एक ले लीजिए, एक लोगे तो कितना हो जाएगा, तीन की पावर तीन हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, दो की पावर तीन हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, तीन त्रिका नौ, नौ त्रिका सत्ताईस, दो दुनी चार दुनी आठ, ये कितना हो गया पंद्रह। इसका इकाई अंक बच्चों क्या हो गया, पांच। आंसर भी क्या हो गया, पांच। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक ही क्या होने, हम दो ले, तो भैया आप दो ले लीजिए, जब आप दो लेंगे तो क्या होगा, दो दुनी चार है पांच, तीन का भाग दोगे पांच में तो क्या बचेगा, एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आई। चलिए आप इस बार दो ले, दो यार आपको दो दुनी चार है पांच, ठीक है, जहां भी क्या होगा दो दुनी चार है पांच। आपने पढ़ रखा है कि वही वर्ड रिपीट होता है चार में, चार में वही रिपीट होने वाला है, फिर भी हल कर लेते, चार का भाग दोगे शेष क्या बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा, चार का भाग दोगे शेष एक बचेगा, तीन की पावर एक का मतलब तीन हो गया, इसमें चार का भाग देंगे दो की पावर चार में तो एक बचेगा, वही रिपीट हो गया, तीन दो पांच फिर से वापस वही आ गया बच्चों, तो बार बार वही आएगा, आप एक ले दो ले तीन ले चार ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक सदैव क्या होगा, पांच होगा, आप यहाँ चाहे जितना बढ़ा लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। काफी लंबा सवाल है, देख लीजिए, लेकिन एक की पावर कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जोसेफ फैमिली का है, आप पढ़ चुके हैं, इसका पूरे का क्या हो गया एक, इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा एक है तो इसका भी एक हो जाएगा, छह में कोई फर्क पड़ता नहीं है घात का तो छह हो जाएगा, पांच में इकाई अंक का कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि जोसेफ फैमिली के हैं 0156 तो पांच हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बच्चों घात का कोई फर्क पड़ता नहीं है, स्वयं इकाई अंक होता है छह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नौ हो जाएगा, हल नहीं करना था, कंफ्यूज करने के इतना बड़ा बनाया गया था। अब देखिए एक एक दो दो पांच सात, सात और नौ सोलह हो गए, ठीक है, प्लस के सोलह हो गए, छह छह बारह माइनस के हो गए, घटा दिया कितना बचा बच्चों चौदह, चार बचा, यही आंसर हो गया, कितना हो गया छह में दो गए चार, इकाई अंक हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। आपने पढ़ रखा है जोसेफ फैमिली के सदस्य 0156 की घात का कोई महत्व तो नहीं होता, वही यहाँ पर दिया गया है 11656 नाइन अलग से रख देंगे, ठीक है, देखने में ही बड़ा था सवाल में सब नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 17 की पावर 1999 11 की पावर 1999 प्लस 27 की पावर 2799 ये दिया गया है, सिंपल सा सवाल है, आप इसे देख लीजिए, दो तीन सात आठ में हम क्या करते हैं चार का भाग देते हैं इकाई के दो अंकों में, सात है चार दुनिया आठ एक हासिल, 19 हो गया, चार चौक 16 पावर हो गई थी, एक से कोई मतलब नहीं है, घात कुछ भी हो स्वयं होते हैं, या वापस लोगे निन्यानवे निन्यानवे यहाँ भी सात की पावर तीन आ जाएगा, सात की पावर तीन का मतलब क्या है, 749 साल नहीं तिर सकते, यानी तीन प्लस वन प्लस तीन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों सात हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या होगा इसका बच्चों सात हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कैट के एग्जाम में पूछा गया था कुछ ऐसा ही सवाल है, कह रहा है संख्या 130 की पावर 128, संख्या 130 की पावर 128 का सबसे
दाया। गैर शून्य अंक कौन सा होगा? गैर शून्य अंक कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है 130 की पावर 128 का जो दायक मतलब होता है अंत की ओर से, अंत की ओर से गैर शून्य अंक जो आपको मिलेगा वह अंक कौन सा होगा? ठीक है बच्चों, चलिए इसको देख लीजिए। तो आप बच्चों से क्या लिख सकते हो, 13 की पावर 10 लिख सकते हो कि नहीं, पावर 128 कर दें। आपको पता है कि 3 की साइक्लिसिटी में 2 ही अंक लेते हैं तो हटा दीजिए। अच्छा 10 का पावर आपस में गुणा 28 बार करोगे तो 28 जीरो मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 का अब ले लीजिए, 3 की पावर 28 का मतलब क्या हुआ, 4 7 28, 3 की पावर 0 हो गया बच्चों। यदि विषम अंक की पावर 0 हो जाए, क्या होता है बच्चों, विषम अंक की पावर 0 हो जाए तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस पूरे सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापस एक बार देख लीजिए इसको, ना समझ में आया हो। कह रहा है इकाई की तरफ से पहला गैर शून्य अंक कौन सा मिलेगा इसको हल करने पर। ठीक है, तो हम बच्चों से क्या लिख सकते हैं, 13 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर 128 की 128 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 का 128 बार गुणा और 13 का भी 128 बार गुणा करेंगे तो इसका तो क्या है, जितने अंक होंगे उतने ही जीरो मिल जाएंगे। उन जीरो से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूछा क्या है, गैर शून्य। अब देखिए 3 बचेगा यहां, 3 की पावर 28, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 की पावर क्या बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा या 4 शेष बचेगा। तो हमने कहा था यदि विषम की पावर शेष 0 हो जाए तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और यदि सम की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 6 होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है 5 की पावर 3 × 2 की पावर 1001 का हजारवें स्थान का अंक कौन सा होगा। हजारवें स्थान का अंक बताना है। चलिए देख लीजिए सवाल, कह रहा है 5 की पावर 3 × 2 की पावर 1001 का हजारवें स्थान का अंक। हजार का मतलब समझ रहे हो, इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजारवां, यानी दाएं से जो चौथा अंक होगा वो आपसे पूछना चाहता है, ना कि इकाई अंक पूछना चाहता है। इकाई नहीं पूछ रहा है, दहाई नहीं पूछ रहा है, सैकड़ा भी नहीं पूछ रहा है, आपसे कौन सा अंक बच्चों पूछा गया है इसमें, हजारवां, यानी दाएं से चौथा अंक भी कह सकता है। इस सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता था, का आपस में गुणा करने पर अंत से चौथा अंक कौन सा मिलेगा, या दाएं से चौथा अंक कौन सा मिलेगा, या हजारवें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इस तरह का सवाल बन सकता है। आपने बच्चों पढ़ रखा है शून्यों की संख्या वाला सवाल, आपने पढ़ा जितने 5 और 2 के गुणनखंड होंगे उतने ही इकाई में क्या मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। चलो बच्चों इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 998। आपने पढ़ रखा है यदि आधार सेम हो तो घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, 1001 बन जाएगा क्या, 99, 100, 101। अब आपने पढ़ा जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही जीरो मिलेंगे, यहाँ 5 और 2 के कितने जोड़े मिल गए, 3 मिल गए, तो 3 जीरो हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपसे कह रहा है हजारवां वाला अंक बताइए, ये खत्म हो गए, 2 की पावर 98 बचा हुआ है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इकाई के 2 ही अंक लेते हैं, 4 का भाग दीजिए, 4 × 8 = 18 हो गया, 4 × 16 यानी 2 की पावर 2 बना, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4। इसका मतलब इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, 4 होगा, यानी हजारवां अंक भी बच्चों कौन सा होगा इसका, 4 होगा। दाएं से चौथा अंक भी कौन सा होगा, 4 होगा। अंत से चौथा अंक भी क्या होगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए इकाई अंक के बाद आपका हजारवां अंक भी पूछने लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, कंजूसी मत करिए, लाइक करिए और दबाकर इसको शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है अगले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों,
ये कहता है दो 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 की पावर एन का इकाई अंक आठ है, क्या है आठ है, तो आठ की पावर एन का मान इकाई पूछा गया है का इकाई अंक क्या होगा, देख लीजिए बच्चों इसका। उसने कहा दो 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 2222 की पावर एन का इकाई अंक आठ हो तो 8888 की पावर एन का इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों इकाई अंक पूछ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं रहा, अगर हम कितना करें दो की पावर एक करेंगे दो आएगा, दो की पावर दो करें चार आएगा, दो की पावर तीन करें आठ आ जाएगा, यानी एन का मान कितना निकला है बच्चों, दो की पावर तीन करें तो आठ होगा, यानी एन की वैल्यू कितनी है तीन है। जब तीन रख देंगे आप आठ की पावर में एन की वैल्यू से तो क्या हो जाएगा 32, यानी आंसर कितना आ जाएगा दो हो जाएगा, 88 64 और आठ चुको 32 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 × 8 × 8 = 32, 4 × 8 = 64, 4 × 8 = 32, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों दो हो जाएगा। ठीक है लास्ट सवाल लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इकाई अंक से संबंधित आपके लगभग क्वेश्चन अब हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाई अंक, ये आपको खुद ही बताना है का इकाई अंक क्या होगा। इस सवाल का आंसर आपको देना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, गुड नाइट गुड डे।